आज से कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था, जिसमें किसी समस्या की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को अपना संबोधन बीच में रोकना पड़ा था। विपक्षी दलों ने इसका काफी मुद्दा बनाया था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करा। आज हम उसी डिवाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई जननेता घंटों तक भाषण देता है। इस डिवाइस को टेलीप्रॉम्प्टर का ऑटो क्यू कहा जाता है। ये कैमरे के सामने फिट कर दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े अक्षर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यूं तो बहुत सारे टेलीप्रॉम्प्टर बाजार में उपलब्ध हैं। अक्सर आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास ग्लास का पैनल देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ग्लास का पैनल देखने के बाद कोई भी चकमा खा सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अक्षर चलते हैं। यहीं से पीएम मोदी देखकर अपनी स्पीच पूरी करते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर या तो खुद स्पीच देने वाला व्यक्ति चलाता है या कैमरे के पीछे की तरफ खड़े किसी शख्स की ये जिम्मेदारी होती है। इसमें शब्दों को आगे या पीछे की तरफ भी आसानी से किया जा सकता है। कितनी होती है कीमत? अब कीमत तो टेलीप्रॉम्प्टर की कोई फिक्स नहीं होती है, ये भी क्वालिटी, डिजाइन और स्टाइल पर निर्भर करती है, लेकिन इसे खरीदने के लिए कम से कम 50,000 रुपए तो खर्च करने ही होते हैं। अगर क्वालिटी बेहतर होती जाएगी तो इसकी कीमत भी ज्यादा होती जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लगने वाले टेलीप्रॉम्प्टर की कीमत की कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।